त्योहारों का सीजन चल रहा है और दिवाली पर सभी अपने घर में मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, तो ऐसा कहाँ जाया जाए जहाँ पर सारी चीजें एक साथ मिल जाए? कहाँ जाया जाए? सिर्फ उसी बेरछा मावा भंडार में आया जाए, जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, जिससे लक्ष्मी जी भी खुश होगी और आपके घर में आने वाले गेस्ट भी खुश होंगे। बेरछा मावा भंडार पर मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे मिष्ठान भंडार और चटपटी चाट का मजा, और यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज में मिलेगी, स्वीट्स में भी और चटपटी चाट में भी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि इस बार यहाँ पर क्या खास है, आइए हमारे साथ। तो बात करते हैं हम मिठाइयों की। दिवाली पर मिठाई सबसे जरूरी होती है, इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ है बेरछा मावा स्वीट्स के पंकज खंडेलवाल जी। इस तरीके से हम काउंटर पे देख रहे हैं कि आपके यहाँ ये कुछ बंगाली मिठाई और दूध की ऐसी मिठाइयाँ हैं, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत कॉमन सी मिठाइयाँ गुलाब जामुन और रसमलाई, क्या सोचकर तैयार किया जाता है और कितने दिन चलती है मिठाई? ये देखिए, ये जो दूध की मिठाइयाँ हैं इनकी शेल्फ लाइफ मात्र एक दिन रहती है, ये सुबह तैयार होती है शाम तक ख़त्म हो जाती है, और हम उतने ही तैयार करते हैं कि सुबह बने और शाम तक ख़त्म हो जाए। हाँ जी, सारी मिठाइयाँ हम खुद बनाते हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते मिठाइयों में कि जो हम बाहर से कहीं से आउटसोर्स करते हो, हम आइटम कम बनाते हैं लेकिन खुद बनाते हैं। काउंटर काफी कलरफुल दिखाई दे रहा है, ये तो बात बंगाली मिठाई और ये डेरी मिल्क हो गई जो आपने बताया एक दिन चलती है, ये वाली मिठाइयाँ ये कौन कौन सी है? काफी घी और दूध की मिठाइयाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ का कलाकंद लोगों को बहुत पसंद आता है, साथ में खोपरा पाक हो गया, फिर ये मूंग बर्फ़ी हो गई, मोहन थाल हो गया, बटर स्कॉच बर्फ़ी हो गई, लड्डू हो गए बूंदी के, बेसन के लड्डू हो गए, तो ये सारा जो है घी और दूध का मिक्स आइटम है जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बटर स्कॉच आपने बोला, क्या रहता है इसमें, बटर स्कॉच क्या है? इसमें बटर स्कॉच दाने को हम मैश करके अंदर डालते हैं, जो दूध की अंजीर की बर्फ़ी का टाइप का फील देता है, उसका जो प्रिपरेशन करने का तरीका वो होता है जैसे आप अंजीर खाते हैं उस टाइप का टेस्ट आता है, और बटर स्कॉच नट्स उसमें होते हैं जो क्रिस्पी, जैसे ही आप खाते हैं तो उसका क्रिस्पीनेस उसके अंदर आता है। ये वाली मिठाइयाँ कितने दिन चला सकते हैं? देखिए, जैसे बटर स्कॉच बर्फ़ी हो गई, मोहन थाल हो गया, मूंग बर्फ़ी हो गई, डोडा बर्फ़ी हो गई, ये हफ्ते भर की इसकी शेल्फ लाइफ रहती है, आप आराम से इसको हफ्ते भर रख सकते हैं। एक दिन, एक हफ्ता, अब हम और आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, क्या वैरायटी इतनी ज़्यादा है? पंकज जी, ये काफ़ी ड्राई फ्रूट्स की मिठाई दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये काजू कतली, जो फॉर एवर हमेशा सबको पसंद आती है, काजू कलश है, काजू तरबूज है, काजू जलेबी है, काजू पान है, अंजीर बर्फी है, जो नेचुरल स्वीटनेस के साथ होती है, तो शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं, ऐसे ही खजूर बर्फी है जिसमें नेचुरल मिठास रहती है, उसको भी शुगर पेशेंट खा सकते हैं। जहाँ तक आपने एक दिन, एक हफ्ता, और इसको आप 15 दिन तक रख सकते हैं, ये मिठाई आज आप ले जाइए और इसको 15 दिन तक आप अपने घर में रख सकते हैं, इसमें ख़राब होने वाला आइटम कोई भी नहीं है, हालांकि हमारे यहाँ तो ये डेली फ्रेश बनती है। देखिए, गुजिया तो ऐसा, दीपावली पे बगैर गुजिया के कुछ नहीं है, मतलब दीपावली एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें आप गुजिया के बगैर दीपावली की कल्पना नहीं कर सकते, इसी कारण हमारे यहाँ हमने 2-3 तरह की गुजिया बनाई हुई हैं, ड्राई गुजिया है, मीठी गुजिया है, अभी 1-2 तरह की गुजिया और अभी बननी है जो 20 तारीख या 21 तारीख से बनेगी, और उसी के साथ में बालूशाही है, चंद्रकला है, दाल पिन्नी है, ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं, और काजू बाइट, चोको बाइट हैं। पंकज जी, एक दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, फिर दिवाली की स्पेशल गुजिया, और अब हम आ रहे हैं बंगाली पे, जो सबकी फेवरेट होती है बंगाली मिठाई, मुझे लगता है सभी खा लेते हैं, तो बंगाली मिठाई में क्या क्या वैरायटीज आपके पास हैं और कितने दिन इसको रखा जा सकता है, क्योंकि लोगों को दिवाली पे गिफ्ट्स भी देने होते हैं? देखिए, बंगाली मिठाई जनरली जो है वो 2 दिन की लाइफ रहती है इसमें, कि आज आप ले जाइए और इसको कल तक खा लीजिए, मतलब हम एक दिन से शुरू किया था और दूसरे दिन पे हम ख़त्म करेंगे, कि पहली 1 दिन की लाइफ है, फिर हफ्ता भर की लाइफ है, और फिर 15 दिन की लाइफ है, और आगे हम फिर 2 दिन की लाइफ वाला प्रोडक्ट है कि आज आप आज ले जाइए और कल तक ख़त्म कीजिए। बंगाली में जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है गुपचुप है, पाकिजा है, मलाई बर्फ़ी है, मलाई चाप है,
तो इस टाइप के जो चमचम है ये प्रोडक्ट्स भी लोग बहुत पसंद करते हैं और खास करके दिवाली के अगले दिन और दूज पे इसका चलन सबसे ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा दिन भर आदमी दिवाली की थकान रहती है लोगों को और अगले दिन जब वो ठंडी ठंडी छेने की मिठाइयाँ खाता है तो उससे उसका ग्लूकोज भी बढ़ता है और साथ में एनर्जी भी आती है, साथ में ही भाई दूज के दिन छेने का मिठाइयों का चलन ज़्यादा रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उस हिसाब से आपकी दुकान पर क्या वैरायटी है जो डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हो शुगर फ्री? देखिए शुगर फ्री में तो अभी ज़्यादा वैरायटी हमने नहीं बनाई है, हालांकि शुगर फ्री में जैसे हमारे अंजीर बर्फी है जो नेचुरल स्वीटेंट में रहती है, खजूर बर्फी है और एक आइटम है हमारा शुगर फ्री कलाकंद जो नो एडेड शुगर में रहता है, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलने वाला है और आने वाले समय में हम कुछ 5 से 6 नई वैरायटियाँ जो है लॉन्च करेंगे दिसंबर में जो शुगर फ्री पेशेंट्स खाएंगे और एक काउंटर हम पूरा शुगर फ्री का प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक काउंटर हम पूरा शुगर फ्री का दें। पंकज जी ने हमें एक बहुत ही खुशखबरी दी है कि यहाँ पर एक पूरा काउंटर है जिसमें डायबिटीज पेशेंट्स के लिए मिठाइयाँ हैं, तो अब डायबिटीज़ जिनको है वो पेशेंट्स भी मिठाइयों का लाभ ले सकते हैं। तो ये बात करी हमने पंकज जी से स्वीट्स के बारे में, अब हम चलते हैं पल्लवी के पास जो कि हमें गिफ्ट्स हैम्पर के बारे में बात करेंगी और वो बात करने वाली है मिस रुचि मैम से। चलिए देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर्स रखे गए हैं और ड्राई फ्रूट्स तो हमेशा ही जो रहते हैं वो चलन में रहते हैं, लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को लेकर चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर्स भी तैयार किए गए हैं और यूथ के लिए एक स्पेशल तरीके से गिफ्ट हैम्पर तैयार किए गए हैं जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स, स्वीट्स, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स सभी प्रकार के जो गिफ्ट हैम्पर है यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे रुचि जी से जो कि बताएंगे इनको कैसे तैयार किया गया है। रुचि जी, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट हैम्पर्स आपने रेडी करके रखे हुए हैं, क्या रहता है गिफ्ट हैम्पर्स? यह आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग तरह के हैं, ड्राई फ्रूट्स के हैं, चॉकलेट्स के हैं, कुछ मिक्स भी बने हैं, चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स नमकीन से मिक्स करके बनाए हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकते हैं, मिठाइयाँ इतना लंबा नहीं चल पाती हैं, लोगों को लेना रहता है तो वो ये वाला भी चीज़ें देख सकते हैं। ये हमने बॉक्स रेडी करे हैं ड्राई फ्रूट्स के जो अलग अलग तरह के बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मीनाकारी के काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इसकी डिमांड अच्छी रहती है। तो हमारे साथ यहाँ श्रेष्ठा जी भी हैं जिन्होंने खुद भी कुछ गिफ्ट हैम्पर्स तैयार किए हैं, तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे ये तैयार किए हैं। हाय, हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के गिफ्ट हैम्पर्स रेडी होते हैं दिवाली फेस्टिवल के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये मीनाकारी का वर्क है इस बॉक्स पे, ये बहुत इन डिमांड रहता है, कस्टमर्स को डिफरेंट पसंद आता है कि क्या है। तो ये 6 लाइन वाला बॉक्स है, ये इसमें 6 वेराइटीज़ ऑफ ड्राई फ्रूट्स आ जाता है, ठीक है। और गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये बकेट है, बकेट को डेकोरेट करा है और इसमें हर कैटेगरी ऑफ एज के लोगों के लिए इसमें सामान है, बच्चों के लिए है चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें बड़ों के लिए और भी चीज़ें हैं। जैसे ये हैम्पर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस गिफ्ट हैम्पर में हमने एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी डाली हुई है, लोगों को पसंद आता है कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग हट के चीज़ें हों, तो वो हमने रेडी करी हुई हैं। और आप देख सकते हैं ये ट्रे भी बहुत यूनिक है, इस ट्रे में भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल वर्क है जो आजकल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है हर जगह, तो वो भी है यहाँ पे अवेलेबल और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रेज हैं जिनको हमने डेकोरेट करा हुआ है, रैप करा हुआ है अच्छे से पॉलीथीन और जिलेटिन से, और बस पॉलीथीन काट देना, जिलेटिन अच्छे से रैप करा है जिलेटिन से ताकि वो नीट भी लगे और दिखने में भी अच्छा और सुंदर लगे। इस बास्केट में अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं, जैसे इसमें कॉफ़ी स्प्रिंकल्स हैं, चॉकलेट्स हैं, नमकीन हैं, बिस्किट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कस्टमर्स यूजुअली हमसे पूछते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। अब उस फेस्टिवल के टाइम पर ना इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास भी कि वो एक एक आइटम बता सके कस्टमर्स को कहे, तो हमने इसमें आप देख सकते हैं सारे आइटम्स के नाम डाले हुए हैं, किस क्वांटिटी में है वो डाले हुए हैं और उनका रेट क्या है। यूजुअली कस्टमर्स पूछते हैं आप पैकेजिंग चार्ज भी लेते हैं, तो हाँ पैकेजिंग चार्ज भी रहता है इसमें, वो भी हमने यहाँ मेंशन करा है कि हम किस चीज़ पे क्या पैकेजिंग चार्ज लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिर्फ चॉकलेट्स हैं, इसमें इस बकेट में
सिर्फ चॉकलेट्स रखी हमने, क्योंकि कई बार लोगों को सिर्फ चॉकलेट्स देना भी अच्छा लगता है किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये है ये आइटम। तो ये सब चॉकलेट्स वाली बास्केट्स हैं। ये वाली भी ट्रे है जिसमें चॉकलेट्स हैं, और ये यूजुअली बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, आजकल बड़े कम पसंद करते हैं, पर बच्चों ही को चॉकलेट ज़्यादा रहते हैं। तो देखा आपने कि गिफ्ट हैम्पर्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं। अब हम चलते हैं सपना के पास, जो कि आपको बताएगी यहाँ की एक और खासियत बेकरी के बारे में। तो अभी मैं हूँ यहाँ लाइव बेकरी सेगमेंट में, तो यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं कितने सारे केक्स हैं और ये हैं। तो यहाँ पर सर हमें बताएंगे केक्स के बारे में और यहाँ की जो बेकरी है उसके बारे में। देखिए, एक तो हमारे यहाँ हम लोग 100% एगलेस बेकरी में काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आइटम अंडे का नहीं बनता, हम लोग मेनली केक्स बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, और डोनट हो गए, कपकेक्स हो गए, और चॉकलेट स्टिकल्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे ऑन प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग ये इन हाउस ही सारा कुछ बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट केक हो गया, चोको चिप्स केक हो गया, बटर स्कॉच केक हो गया, पाइनएप्पल हो गया, वाइट फॉरेस्ट हो गया, और ट्रफल चॉकलेट ट्रफल केक हो गया। तो इस टाइप के केक्स हम बनाते हैं जो बहुत रीजनेबल रेट्स में और बहुत अच्छी क्वालिटी में हम लोग बेचने की कोशिश करते हैं। साथ ही में हम कुछ 5-7 तरह की पेस्ट्रीज रेगुलर बनाते हैं, और पर डे एक नई पेस्ट्री हम लोग बनाते हैं जो सिर्फ उसी दिन बनती है, और उसी दिन के बाद वो फिर रिपीट करीबन हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में रिपीट होती है। आइधर नहीं तो वो पेस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है कि आदमी आता है, उसको कुछ मान लीजिए मिठाई नहीं खानी है या उसको कुछ ऐसा नहीं खाना है, तो वो पेस्ट्री या केक लेकर अपना टेस्ट डिफरेंट टेस्ट में एंजॉय कर सकता है। कस्टमर्स को ये मतलब कस्टमर की केक में कौन सी ज़्यादा डिमांड होती है और कौन सा वो ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर? देखिए, केक में तो ऐसा है कि हर आदमी की अपनी एक टेस्ट की चॉइस होती है, लेकिन जनरल जो है पाइनएप्पल बटर स्कॉच और ब्लैक फॉरेस्ट, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो जनरल आदमी पसंद करता है। आने वाले समय में हम केक्स में जो है वो मिठाई के भी केक्स चालू करेंगे, जो कि हम दिसंबर में चालू करेंगे, और मिठाई केक्स भी आपको उसकी रेंज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर डोनट्स भी बनते हैं, तो डोनट्स की क्या प्रोसेस है? डोनट्स बेसिकली जो है वो फ्राई करके बनाए जाते हैं, तो डोनट्स और ये भी डेली फ्रेश ही बनते हैं, और ये भी एगलेस ही होते हैं, और चॉकलेट्स और अदर कई फ्लेवर्स में ये डोनट्स भी बनते हैं। और हमारे सामने अभी यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज के कपकेक्स हैं, तो कपकेक्स पर आपका क्या कहना है? मैम, कपकेक्स भी फ्लेवर्ड वाइज रहता है, जैसे चॉकलेट हो गया, वनीला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये भी कई सारे फ्लेवर्स में बनते हैं, लेकिन जनरली बच्चों को जो है वो चॉकलेट और वनीला, ये दो ही वैरायटीज़ में कपकेक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट सा कुछ देख रही हूँ, इसे क्या कहते हैं सर? ये केक स्टिकल्स हैं मैडम, ये चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट है, इसमें अंदर प्रीमिक्स के साथ चॉकलेट डिप करके बनाया जाता है। ये ऐसा है जो बच्चों को नुकसान भी नहीं करता और टेस्टफुल भी होता है। अच्छा, दिवाली पर जैसे मिठाइयों की डिमांड होती है, तो क्या वैसे केक्स की भी कुछ होती है? नहीं मैडम, दिवाली पे केक्स की ऐसी डिमांड नहीं रहती है, दिवाली पे तो मिठाइयों का ही रहता है केक, लेकिन दिवाली के बाद दिसंबर में केक की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये तो हो गई बेकरी की बात, अब हम चलते हैं मृणाल के पास, जो कि हमें चटपटे चाट के बारे में बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ शेफाली जी के पास। मैं हूँ बेरछा मावा के लाइव चाट स्टोर पर। हिंदुस्तान में किसी को कुछ पसंद हो ना हो, लेकिन चाट सब ज़रूर खाते हैं। मृणाल हमको बताएंगे, सबको पसंद है और इंडियन फूड है चाट, तो क्या खासियत है और किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले मैं इतना बताना चाहूँगा कि हम लोग हाइजीन का ख्याल सबसे ज़्यादा रखते हैं। सब देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सब जो भैया लोग हैं सब प्रॉपर ग्लव्स पहने हैं, कैप पहने हैं, और प्रॉपर हाइजीन से काम करते हैं। हमारे यहाँ हाइजीन का ख्याल सबसे ज़्यादा रखा जाता है, और जो टेस्ट रहता है एकदम नेचुरल रहता है। हम आर्टिफिशियल कलर्स हो गए और जो आर्टिफिशियल मसाले होते हैं उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। हर चीज़ पूरी एकदम नेचुरल बनती है। पानीपुरी का पानी हम बिस्लरी के पानी का उपयोग करते हैं, हम आर ओ के पानी का उपयोग भी नहीं करते क्योंकि उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम प्योर बिस्लरी के पानी से हमारा पानी बनाते हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ तो एकदम प्रॉपर तरीके से हर चीज़ दी जाती है। अब आप बिल्कुल देख सकते हैं कि प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन किया गया है, प्रॉपरली ग्लव्स पहने हुए, प्रॉपरली पूड़ी को निकाला गया है इस कंटेनर से, एयरटाइट कंटेनर है जिससे कि जो पूड़ियाँ है वो नर्व नहीं पड़े, प्रॉपरली उसके अंदर पानी डाला गया है, और ये हमारी फुल्की तैयार रहती है।
बिल्कुल एक फुल्की टेस्ट करके देखी जाए, मिनरल वाटर से बनी हुई और बेहद हाइजीन वे में ये बनाई गई है। बहुत टेस्टी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एकदम नेचुरली बनती है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं करी गई है। प्रॉपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, सब कुछ एकदम नेचुरल है, तो इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही अलग होता है। मिनरल मैंने खा के देखी, वाकई जो मिनरल बोल रहे हैं कि मिनरल वाटर का यूज़ किया गया है और जो मसाले हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। इसमें किसी भी तरीके का कलर यूज़ नहीं करते ये लोग, सारा नेचुरल मसालों का कलर है। मिनरल पेस्ट्री और की बात तो हमने आपके काउंटर पे देखी, बेकरी से ही जुड़ा हुआ आइटम है ये जी। पैटीज, कितने डिफरेंट की पैटीज? हमारे पास दो तरीके की पैटीज है, एक है पनीर पैटीज, उसको चिली पनीर पैटीज भी बोल सकते हैं आप, और एक आलू पैटीज है, काफी लोग इसको पफ भी बोलते हैं। ये हमारे यहाँ ही बेक होती है, रोज और रोज बेक होती है। इसके अलावा मैं कचौड़ी देख रही हूँ, दो तरीके की कचौड़ी और समोसे हैं, डिमांड किसकी ज्यादा है? ज़्यादा जो डिमांड रहती है हमारा प्याज कचौड़ी बहुत चलती है, प्याज कचौड़ी हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है, और बाकी समोसे और दाल कचौड़ी का भी टेस्ट एक लाजवाब है। बिल्कुल, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक इंडिया लोग खाते रहेंगे, समोसा सबका बहुत फेवरेट है। मिनाल, अब मैं आपसे और आपके काउंटर में क्या क्या है वो प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ फुल्की, समोसा, ये सब तो हर जगह रहता है। हमारे यहाँ स्पेशल दही बड़ा है, हमारा का दही बड़ा एकदम अनोखा है, जैसा आप क्या लगा देख सकते हैं हमारा का दही बड़ा। दही बड़ा पे बात करें तो दही बड़ा एक किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या इसमें डलता है, एक प्लीज लाइव हमको दिखाइए। जी बिल्कुल, हम जो दही बड़ा बनाते हैं एकदम रोज बनता है, तो उसको हम पहले पुदीने और जो गुलाब का पानी रहता है उसके अंदर डुबा के रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर का टेस्ट एकदम बदल जाता है। देख सकते हैं कि दही बड़ा जो है वो रेडी हो चुका जी, है बिल्कुल। और देखने में बेहद खूबसूरत दिख रहा है, मैं कैमरामैन से बोलूंगी कि इसको जरा दिखाएंगे पास से, देखकर ही इसको खाने का मन कर जाता है, और इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा है। प्रणाल काफी तारीफ कर रहे हैं दही बड़े की, और हाइजीन की बात तो हमको यहाँ देखने को भी मिल रही है, और नो डाउट जैसा कि मृणाल हमको बता रहे हैं कि दही बड़ा यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है और काफ़ी डिमांड रहती है। दही बड़ा तो हमने टेस्ट करके देखा, बहुत टेस्टी था, जैसा आप बता रहे थे बिल्कुल वैसा ही था। अब और क्या आपके यहाँ काम? अब हम आलू टिक्की की तरफ चलेंगे। सबसे पहली चीज़, आलू टिक्की हम तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम घी का इस्तेमाल करते हैं। तेल हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है, पर घी हमारे शरीर को उतनी ताकत देता है। तो हम घी में हमारी आलू टिक्की को तलते हैं, जिस तरह हम तल के दिखाएंगे हमारी आलू टिक्की को। मृणाल देख रहे हैं कि काफ़ी शुद्धता के साथ आपके यहाँ काम किया जाता है, और आलू टिक्की आपके यहाँ की बहुत फेमस है, कस्टमर की बहुत डिमांड रहती है आलू टिक्की की, तो विशेष तौर पर क्या इस पे ध्यान देते हैं आलू टिक्की में, क्योंकि हर सीज़न में आलू टिक्की की डिमांड बनी रहती है? आप देख सकते हैं कि आलू टिक्की बन चुकी है, देखने में बहुत लजीज दिख रही है, और अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि मृणाल ने हमको जो जो बताया है वाकई में उतना स्वाद इसमें है या नहीं। गरम गरम और खट्टी मीठी चटपटी चाट मिल जाए तो वाकई में दिन बन जाता है। मृणाल ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही स्वाद हमको खाने में लग रहा है। मृणाल, जब इतना सारा तीखा तीखा सब लोग खा लेते हैं, तो आपके लाइव काउंटर पर क्या ऐसा मिलता है कि जो तीखा लग रहा हो तो कुछ मीठा खा के उसको ठीक किया जा सके? अच्छी बात, जलेबी कब आ सकते हैं ये बीच में? तो हम यहाँ जलेबी बनाते हैं शुद्ध घी में, बिल्कुल शुद्ध घी का काम करते हैं यहाँ पे,
और एकदम गरम गरम जली भी देते जिससे कि जो हमारे ग्राहक होते हैं उनको एकदम मज़ा आ जाए। बहुत सारा तीखा तीखा पानी पूरी, दही बड़ा और चाट और समोसे, कचौड़ी, इतना सारा तीखा खाने के बाद क्या मीठा खिलाते हो आप लाइव? तो इससे अच्छा हमारे भारत में जलेबी का स्वाद कैसे ले सकते हैं? हम जलेबी और इमरती दोनों बनवाते हैं, पर हाल फिलहाल मैं आपको जलेबी बनाऊंगा एकदम लाइव, एकदम शुद्ध घी में बनती हुई। आप सब देख रहे हैं किस तरीके से जलेबी रेडी हुई है और चाशनी में डल चुकी है। अब ये मीठी मीठी गरम गरम जलेबी हम खाकर देखेंगे कि कैसा स्वाद है इनका। बेरछा मावा स्टोर पर आखिर कस्टमर क्यों जलेबी की डिमांड ज़्यादातर करते हैं? ये गर्मा गर्म जलेबी अब हमारे हाथ में आ चुकी है। मृणाल देखने में बड़ी गर्म गर्म है, थोड़ा संभाल कर। और बेरछा मावा स्टोर क्यों आते हैं लोग आप समझ में आ रहा है। बहुत ही क्रिस्पी पतली पतली टेस्टी जलेबियां हैं देसी घी में बनी हुई, और नो डाउट इतना सब तीखा जब हम यहाँ खाते हैं तो कुछ मीठा खाने का मन करता है, और इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ हो भी नहीं सकती। तो अभी हमने यहाँ पर सारे काउंटर्स देखे, और मैम अभी आपने चाट का काउंटर बताया और मैम ने लाइव चाट टेस्ट भी करा है, तो मैम कैसा लगा? नो डाउट बेरछा मावा भंडार पर लोग क्यों आते हैं ये मुझे लगता था, मैं तो आती रहती थी, टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन आज पूरा जब मैंने लाइव शूट किया तो बहुत ही हाइजीनिक वे में, बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया जाता है, और टेस्ट का तो मैं आपको बता नहीं सकती। जो टेस्ट मैं यूपी में ढूंढती थी वो टेस्ट मुझे बेरछा मावा स्टोर पर मिलता है। और आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपको चाट खाना है तो एक बार बेरछा मावा पर ज़रूर आए। और पल्लवी ने यहाँ पर गिफ्ट्स हैम्पर्स देखे थे, तो पल्लवी नो डाउट सपना, मैंने यहाँ देखा कि किस खूबसूरती से यहाँ के हैम्पर्स तैयार किए गए हैं, और सभी उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर ये हैम्पर्स तैयार किए गए हैं, और किसी को भी गिफ्ट देने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत हैम्पर्स हैं। और अब मुझे पता चला है कि मिष्ठान भंडार या किसी भी चीज़ के लिए बेरछा सबकी पहली पसंद क्यों है। और यहाँ पर मैंने भी स्वीट्स देखे, बेकरी देखे, यहाँ पर बहुत ही हाइजीन तरीके से रखा जाता है सब कुछ, और बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से आके ज़रूर मिठाई खरीदें। तो मैं भी यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं हूँ शेफाली। मैं हूँ सपना। और मैं हूँ पल्लवी। दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पर आप सबका बेरछा मावा भंडार डेयरी एंड स्वीट्स पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सारी वैरायटी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बेकरी के साथ में हम आपका इंतज़ार करेंगे, एक बार अवश्य आइएगा। हैप्पी दीपावली आप सभी को, भोपाल वासियों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।